नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूसनेट सेल्फ स्टडी में। अभी हम पढ़ेंगे फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग के बारे में। देखिए, जब हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजिकल अप्रोच की, तो इनका एक अलग ही इम्पॉर्टेंट स्थान है। देखिए, अब्राहम मैस्लो, डगलस मैकग्रा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने एक टू फैक्टर थ्योरी नाम से एक थ्योरी दी थी, जिसको थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी कहा जाता है, मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मोटिवेशन मेंटेनेंस थ्योरी भी कहा जाता है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग एक डिस्टिंग्विश अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने क्वेश्चन किया कन्वेंशनल विजडम ऑफ मैनेजरियल डॉगमा एंड प्रैक्टिसेस। मतलब मैनेजरियल डॉगमा मतलब कि मैनेजर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, इसको क्वेश्चन करना शुरू किया। जो क्लासिकल अप्रोच थी उसको इन्होंने टक्कर मारना शुरू किया। ही हैज़ स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन एट द वर्क प्लेस। उनका सबसे जो प्राइम टॉपिक था कि ह्यूमन मोटिवेशन ऑफ द वर्क प्लेस क्या है। द सेंट्रल कोर ऑफ हर्ज़बर्ग वर्क स्टेम्स फ्रॉम हिज सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक्सपीरियंस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एक्सपीरियंस से उन्होंने रियलाइज़ किया कि सोसाइटी गोज इनसेन व्हेन द सेन आर ड्रिवन इनसेन। मतलब सोसाइटी एक तरह से इनसेन मतलब अमानवीय हो जाती है, जब मानवीय लोग अमानवीय बनाए जाते हैं, ड्रिवन इनसेन। ठीक है, एज अ साइकोलॉजिस्ट हर्ज़बर्ग फेल्ट दैट सैनिटी रिक्वायर्स मच प्रोफेशनल अटेंशन टू नरिशिंग द ह्यूमनिस्टिक कंटेंट ऑफ करेक्टर एंड एथिक्स एज इट शोइंग कंपैशन फॉर डिफरेंसेज इन पर्सनैलिटी। अब एज अ साइकोलॉजिस्ट ये सोचते थे कि जो सैनिटी है, जो मानवीयता है, उसको बहुत ही प्रोफेशनल अटेंशन चाहिए। ठीक है, उसका अगर आपको मानवीय डेवलपमेंट करना है किसी भी आदमी का, सो इट रिक्वायर्स अ प्रोफेशनल अटेंशन सो फॉर डेवलपमेंट ऑफ इज ह्यूमनिस्टिक करेक्टर और उसकी वैल्यूज़ और एथिक्स डेवलप करने के लिए। तो हमें अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के लिए अलग एम्पैथी दिखानी है, उनकी कंपैशन दिखानी। तो इन दिस कंटेक्स्ट हर्ज़बर्ग सर्व्स द इनसेन आल्सो रिक्वायर्स केयर एंड कंपैशन, बट देयर इनसेन एक्शन शुड नेवर बी रीइन्फोर्स्ड बाय एथिकली न्यूट्रल स्ट्रेटजीज। तो ये बोल रहे हैं कि भाई इनसेन लोग को भी केयर एंड कंपैशन चाहिए, पर उनके एक्शन जो हैं वो रीइन्फोर्स नहीं करने चाहिए एथिकल न्यूट्रली स्ट्रेटजीज से। मतलब एथिकली या तो ऐसी स्ट्रेटजीज जिनका कोई स्टैंड ना हो, ऐसी स्ट्रेटजीज से उसको जस्टिफाई नहीं करना चाहिए या उनसे कंपेयर नहीं करना चाहिए, इन रीइन्फोर्स नहीं करना चाहिए। तो इनका कहना था माई थ्योरीज हैव इंटेंडेड टू एम्फसाइज स्ट्रेटजीज फॉर कीपिंग द सेम। मतलब ये थ्योरी ऐसे बनाते थे कि आदमी मतलब मानवीय चीज़ को रखें। तो देखिए, सोशल साइकोलॉजिकल साइकोलॉजी से तो साइकोलॉजी डेवलपमेंट की बात करते थे मोटिवेशन में। तो इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। वर्क इन द नेचर ऑफ मैन 1966, मोटिवेशन टू वर्क वेरी इंपॉर्टेंट बुक 1959, को ऑथर्ड थी ये। ठीक है, मैनेजरियल चॉइस टू बी एफिशिएंट ह्यूमन 1976। जो ये जो इनकी वर्क एंड मोटिवेशन टू वर्क थी, ये इन्होंने बी मोजनर और बी स्नाइडरमैन के साथ जो बुक है कंप्लीट की थी। तो इन डेवलपिंग इज मोटिवेशन थोड़ी हर्ज़बर्ग ने इन्फ्लुएंस किया राइटिंग ऑफ मैस्लो, डगलस मैकग्रेगर, किस आर्गेरिस, और एनालाइज किया रिलेशनशिप ऑफ मीनिंगफुल एक्सपीरियंस एट वर्क एंड मेंटल हेल्थ। मतलब आदमी की मेंटल हेल्थ और वर्क के बीच क्या रिलेशन है, उससे इन्होंने ये चीज़ निकाली कि ऑल इंडिविजुअल हैव टू सेट ऑफ नीड्स। पहली तो पेन अवॉइड करना, दूसरा साइकोलॉजिकली ग्रो करना। तो इन्होंने एक मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी दी। इनकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द सेम 200 इंजीनियर्स एंड अकाउंटेंट्स फ्रॉम नाइव कंपनीज इन पिट्सबर्ग एरिया ऑफ यूएसए। पिट्सबर्ग एरिया ऑफ यूएसए में 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स 9 कंपनियों में इन्होंने स्टडी किया था। दीज मेन वर आस्क्ड टू थिंक ऑफ टाइम्स फेल्ट एक्सेप्शनली गुड और एक्सेप्शनली बैड। देखिए, साइकोलॉजी पर जोर दे रहे हैं, जो पूछ रहे हैं कब आपको अच्छा लगता है, कब खराब लगता है। Responses were then classified by topic in order to determine what type of events lead to job satisfaction or dissatisfaction. उन्होंने ये पूछा कि किस चीज़ से तुम मोटिवेट होते हो, किस से नहीं होते हो। एक तरह से इनका गोल था मोटिवेशन का पता करना कि आदमी किन चीज़ों से मोटिवेट होता है। उन्हीं को इन्होंने दो फैक्टर्स में डिवाइड किया था, जिसको मोटिवेशन और हाइजीन फैक्टर्स बताया था। रिसर्च एम्प्लॉयड अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, रेट्रोस्पेक्टिव पैटर्न इंटरव्यू एंड कंटेंट एनालिसिस। ये इन्होंने जो टेक्निक्स यूज़ की थी, इंसिडेंट टेक्निक्स, कुछ पैटर्न इंटरव्यूज़ इन्होंने रखे, कुछ कंटेंट का एनालिसिस भी किया डीपली। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च वाज़ टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट लीड टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब। मतलब ये कह रहे थे कि आदमी का एटीट्यूड जो जॉब की तरफ है ना, वो एक्चुअली एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, कि ऑर्गेनाइजेशन का भी उसमें पार्ट है, क्योंकि इसका ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट पार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का इसका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी पार्ट है। तो यही एटीट्यूड जो है जॉब परफॉर्मेंस, टर्नओवर, मेंटल हेल्थ आदि पे फर्क डालता है। तो फोकस ऑफ द स्टडी वाज
वेदर डिफरेंट काइंड ऑफ फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू ब्रिंग आउट जॉब सेटिस्फैक्शन, कि जॉब सेटिस्फैक्शन इससे आता है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक हाइपोथेसिस बनाया कि एक्सप्लेन किया उस हाइपोथेसिस के थ्रू कि दैट फैक्टर्स बिहाइंड मोटिवेशन डिटरमेंट ऑफ अ जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब डिससेटिस्फैक्शन। तो इन्होंने यही एक रिसर्च किया कि कौन से फैक्टर्स हैं जो जॉब सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन लाते हैं, वो डिटरमिनेंट्स क्या हैं, किन के कारण ऐसा होता है। हिज थ्योरी आइडेंटिफाइड 5 स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट्स, इन्होंने बहुत ही 5 स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेंट्स पता किए, डिटरमिनेंट ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन के डिटरमिनेंट्स क्या थे, अचीवमेंट, कुछ अचीव करना, उसको कुछ प्राप्त करना, रिकॉग्निशन, उसकी पहचान बनना, अट्रैक्शन ऑफ द वर्क इटसेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवांसमेंट। ये तो हो गया जॉब सेटिस्फैक्शन। जॉब डिससेटिस्फैक्शन क्या हो गया, कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कंपनी पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन अगर उस पर ज़्यादा सख्त है तो ये डिससेटिस्फैक्शन ला सकता है। सुपरविजन, ओवर सुपरविजन और ज़्यादा खींचतान हो रही है, सैलरी में कटौती हो रही है, आपस के रिलेशन उसके ख़राब हो रहे हैं और वर्किंग कंडीशंस। तो इन्होंने पहला जो ग्रुप था इसको कह दिया मोटिवेटर्स, कि भाई ये मोटिवेट करने को आदमी को काम करेगा, आदमी और बेहतर आउटपुट देगा। लेकिन ये जॉब जो डिससेटिस्फैक्शन वाला पार्ट था, इन्होंने इसको मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर कहा। ठीक है, पहला वाला जो ग्रुप था वो तो ईल्ड सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आदमी में देता है, सेटिस्फैक्शन थोड़ी सी हायर लेवल की चीज़ होगी। और सेकेंड ग्रुप ऑफ फैक्टर जो था, देयर प्रेजेंस विल नॉट मोटिवेट पीपल, मेरी तनख्वाह एक बार गवर्नमेंट में भर्ती हुआ डिसाइड होगी मेरी सैलरी, अब मैं उस सैलरी से मोटिवेट नहीं होने वाला हूँ, लेकिन मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, अदरवाइज मैं डिससेटिस्फाई ज़रूर हो जाऊँगा। देखिए समझिए, मोटिवेटर फैक्टर्स जो थे, जैसे अब मैं ऑर्गेनाइजेशन में, ये कुछ कुछ अब्राहम मैस्लो की नीड थ्योरी जैसा ही है कि आपने सैलरी पाली, अब आपकी इच्छा है प्रमोशन, तो प्रमोशन से मोटिवेट हो गए, आपका अचीवमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन में उससे मोटिवेट हो गए, कि आप सैलरी से एक बार मोटिवेट हो चुके हो, दोबारा नहीं होने वाले उससे, आप उससे, लेकिन आपको सैलरी नहीं मिली तो आप उससे डिससेटिस्फाई ज़रूर हो जाओगे, यही चीज़ है। थस इमर्ज टू सेट ऑफ जॉब एटीट्यूड्स एंड फैक्टर्स एंड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। तो इन्होंने बोला कि दो तरह के जॉब एटीट्यूड्स और फैक्टर्स हैं, एक इंट्रिंसिक है, कुछ एक्सट्रिंसिक है, कुछ बाहर से सोसाइटी से आता है वो भी है, कुछ इंटरनल सोसाइटी का भी है। ठीक है, तो इन्होंने जो डिस्टिंक्शन किया इन फैक्टर्स के बीच में, हाइजीन फैक्टर्स और अपना मोटिवेटर्स। ठीक है, हाइजीन फैक्टर का होना ज़रूरी है ताकि आदमी डिससेटिस्फाई ना हो, मोटिवेटर्स का होना ज़रूरी है ताकि ज़िंदगी में आदमी और आगे बढ़े। ठीक है, एज पर मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिससेटिस्फाई, ट्रेस दम इन द लैक ऑफ सक्सेस ऑफ अमेरिकन इंडस्ट्री। उन्होंने वही एनालिसिस किया इसका। हैजबर्ग ऑल्सो सजेस्टेड वेज इन विच मोटिवेशन टू वर्क मे बी स्ट्रेंथन्ड, कैसे स्ट्रेंथन करने के लिए उन्होंने आइडिया दिया कि हाइजीन फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू हैजबर्ग ऑपरेटेड टू रिमूव हेल्थ हैजार्ड, नॉट अ क्यूरेटिव फैक्टर, इज रैदर अ प्रिवेंटिव फैक्टर। देखिए हाइजीन फैक्टर्स जो थे वो क्या थे, मेंटेनेंस फैक्टर थे, मतलब आदमी को कम से कम ऑर्गेनाइजेशन में भाई मेरी सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी हो, मुझे तनख्वाह मिले, मैं काम चला लूँगा। ठीक है, इतना होता है जब इनिशियल वो ज्वाइन करता है, सबसे पहली नीड्स में आता था ये। ठीक है, सेकंड नीड में आता था अब्राहम मैस्लो की जो पिरामिड था। अब ये कोई क्यूरेटिव फैक्टर नहीं है, लेकिन ये प्रिवेंटिव फैक्टर है, ये भाई क्यूर तो नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंट तो नहीं बना देगा कि लोग एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे और पता नहीं क्या क्या करने लगेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन इट विल प्रिवेंट देयर डिससेटिस्फैक्शन, बस इतना ही इसमें कहने की मेन चेष्टा है। अब देखिए इन्होंने एक ये भी कहा कि जब आदमी के हाइजीन फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें डिससेटिस्फैक्शन आता है। अगर इम्प्रूवमेंट इन हाइजीन फैक्टर्स सर्व टू रिमूव द इम्पेडिमेंट्स टू पॉजिटिव जैब एटीट्यूड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उससे एक बार सेटिस्फाई होकर आदमी को कुछ नहीं होगा, लेकिन उस पर अगर इम्प्रूवमेंट्स किए जाएँ, बेहतर पेमेंट बढ़ती है, ढंग से बढ़ती है, ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशन अच्छे होते हैं, तो पॉजिटिव जॉब एटीट्यूड डेवलप करने में ज़रूर इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इन्होंने एक टेबल बनाया जिसमें हाइजीन और मोटिवेशन सीकर्स में कुछ डिफरेंस दिया। हाइजीन मतलब सीकर जो आदमी होता है वो क्या करेगा, वो नेचर ऑफ इन्वायरमेंट से मोटिवेट होता है। मोटिवेशन सीकर क्या है कि इसने इन्वायरमेंट से खुद को अडेप्ट कर लिया है, इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अब ये नेक्स्ट लेवल का आदमी हो गया, साइंटिस्ट टाइप बन गया भाई ये, कि मोटिवेटेड बाय द नेचर ऑफ टास्क, उसको भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, उसको रिकॉग्निशन मिले, उसको पावर मिले, ये उसके लिए भूखा है। ठीक है,
मान लीजिए दो आदमी है एक सेक्शन में, एक सेक्शन या फिर एक ऑफिस में, एक आदमी अपनी दोनों को सेम सैलरी मिलती है, दोनों का सेम ड्यूटीज है, दोनों का सेम रैंक है, लेकिन दोनों का एटीट्यूड ऐसा है, एक बंदे को कुछ एक्स्ट्रा करना है, कुछ बेहतर बनाना है आसपास के एनवायरनमेंट को, वो मोटिवेशन सीकर वाला आदमी है, हाइजीन सीकर वाला, तनख्वाह मिली घर गया ऑफ लिया, बीवी बच्चों के साथ आराम किया घूमने गया, ही इज हाइजीन सीकर, द अदर वन इज मोटिवेशन सीकर। क्रॉनिक एंड हाइटेंड डिससेटिस्फेक्शन विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब कॉन्टेक्स्ट, सैलरी, सुपरविजन, वर्किंग कंडीशन, स्टेटस ऑफ जॉब, जॉब सिक्योरिटी, कंपनी पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन, फेलो एम्प्लॉयज। अब हाइजीन सीकर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि क्रॉनिक एंड हाइटेंड डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है बहुत सारे जॉब एस्पेक्ट से, ठीक है, क्योंकि ये भाई ये ऐसी चीज़ है कि ये आदमी को ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करने में काम आता है, ठीक है। तो ये वाला जो इंसान होगा, मोटिवेटर जो इंसान होगा, वो जो मोटिवेटेड इंसान होगा, हाइजीन सीकर होगा जो, वो क्या कोशिश करेगा कि मेरे जो फिज़िकल नीड हैं इस तरह की नीड अच्छे से पूरे होते रहें, ठीक है, नहीं तो बहुत ही भयंकर डिससेटिस्फेक्शन आता है इससे। ये मोटिवेशन सीकर क्या उससे ऊपर उड़ गया है, बोले यार सैलरी इस महीने नहीं आई अगले महीने आ जाएगी, तो ये इन सब चीज़ों से ऊपर उड़ चुका है, नेक्स्ट लेवल का हाइजीन सीकर है ये, हाइजीन सीकर के बाद वाली स्टेज है। ओवर रिएक्शन ऑफ सेटिस्फेक्शन टू इम्प्रूवमेंट इन हाइजीन फैक्टर्स। अब ये क्या है, हाइजीन सीकर जो है ये बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं कि अगर सेटिस्फेक्शन हो जाए, किसी भी इम्प्रूवमेंट हो जाए किसी भी फैक्टर्स में, हाइजीन फैक्टर्स में, ये बड़े जल्दी ओवर रिएक्ट करके खुश हो जाते हैं। ये मोटिवेशन सीकर कूल रहते हैं, ये इतना हाइजीन फैक्टर से इसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा तो कूल क्या रहना, फिर मतलब इसको ओवर रिएक्ट क्यों करना है, ही विल एक्ट नॉर्मली कि हाँ यार इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब। बट दिस पर्सन हाइजीन सीकर, ही विल बी वेरी हैप्पी, ही विल बी सेइंग हुर्रा वाओ माय पेमेंट हैज इंक्रीज्ड, आई हैव गॉट डियरनेस अलाउंस, वाओ एंजॉयिंग। सो दिस इज मोर ऑफ फिजिकल काइंड ऑफ मैन एंड दिस इज द नेक्स्ट लेवल मैन। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, अब ये सेटिस्फेक्शन जो है तो शॉर्ट ड्यूरेशन का रहता है, एक महीने की तनख्वाह फर्स्ट डे को मिल गई, उसके बाद उसने मैनेज नहीं किया तो अब डिससेटिस्फेक्शन आना अपने आप शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब हाइजीन फैक्टर इंप्रूव करके आप शॉर्ट ड्यूरेशन की एक ला सकते हो कि भाई हाँ हैप्पीनेस खरीद सकते हो, पर उस केस में क्या है, ये भी ऐसा ही है, ठीक है, ये भी ऐसा ही है कि शॉर्ट ड्यूरेशन की मोटिवेशन आ जाती है हाइजीन फैक्टर से, उससे भी शॉर्ट होती है लेकिन ये, ठीक है, वेरी शॉर्ट होती है ये, शॉर्टर देन दिस हाइजीन सीकर। ओवर रिएक्शन ऑफ डिससेटिस्फेक्शन व्हेन हाइजीन फैक्टर इज नॉट इम्प्रूव, नो हाइजीन फैक्टर को इम्प्रूव नहीं किया तो वहाँ पे भयंकर बवाल मच जाएगा, ओवर रिएक्शन आएगा लोगों का। इसका ऐसा नहीं है, बहुत माइल्डर डिसकंटेंट होगा, और जब हाइजीन फैक्टर अगर इम्प्रूव नहीं है तो ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। रियलाइजेज लिटिल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम अकम्पलिशमेंट, बात वही आ गई, अकम्पलिशमेंट से इसको कोई मतलब नहीं, इसको सिर्फ अपने हाइजीन फैक्टर्स चाहिए जो इसकी नीड को पूरा करते रहें। ये जो बंदा है अब ये नेक्स्ट लेवल का आदमी है, ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड विद द अचीवमेंट्स विच ही गॉट, द रिकॉग्निशन विच ही गेट्स। दिस पर्सन शोज लिटिल इंटरेस्ट इन द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क ही डज, भाई ये रूटीन वाला आदमी है, आया डेली का काम किया, उसने कुछ इनोवेट नहीं किया, कुछ एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट की नहीं सोची, जैसा चलता रहा वैसा किया। ये जो बंदा है, द मोटिवेशन सीकर विल डेफिनेटली शो कैपेसिटी टू एंजॉय द काइंड ऑफ वर्क ही डज एंड विल बी वेरी मोटिवेटेड पर्सन। अब ये जो हाइजीन सीकर है, इसके छोटा व्यू है, इट्स अ सिनिकल व्यू ऑफ पॉजिटिव वर्च्यूज ऑफ वर्क एंड लाइफ इन जनरल, ये हर चीज़ को कोसता रहेगा, ये अच्छा नहीं है, वो खराब है, ये खराब है, इस तरीके से। और ये जो मोटिवेशन सीकर है, ही विल हैव पॉजिटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स वर्क एंड लाइफ इन जनरल, इज अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, ही विल बी क्रिटिसाइजिंग एंड अ नेगेटिव पर्सन। सो ही डज नॉट फिट, हाइजीन फैक्टर वाला जो बंदा है, ही डज नॉट फिट प्रॉफिट, इट डज नॉट प्रॉफिट प्रोफेशनली फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस, इसके एक्सपीरियंस से कुछ गेन नहीं करता है क्योंकि सीखने की कोशिश ही नहीं करता, ये आता है अपना काम करता है, घर चला जाता है, सैलरी लेता है, यही इसका एम है। अब ये जो बंदा है, क्योंकि ये कोई भी सेक्शन वर्क या फिर ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व होकर कर रहा है, सो दिस मोटिवेशन सीकर इज वेरी मच प्रोफेशनली गेनिंग फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस। और एक पॉइंट ये भी है कि हाइजीन सीकर इज़ वेरी प्रोन टू कल्चरल नॉइसेस, कल्चरल नॉइसेस मतलब ही मे बी अल्ट्रा लिबरल और अल्ट्रा कंजर्वेटिव, या तो मतलब बेफिक्र होगा कि भाई किसी चीज़ में कोई आइडियोलॉजी के साथ नहीं रहा, बिल्कुल लिबरल, या फिर ये इतना कंजर्वेटिव होगा कि राइटिस्ट मेंटेलिटी का आदमी, धार्मिक उन्माद, ऑर्थोडॉक्सी, इस टाइप का, दोनों तरह का हो सकता है ये,
लेकिन बीच का वाला नहीं होने वाला है, सपोर्ट्स मैनेजमेंट फिलोसफी। ठीक है, मैनेजमेंट की फिलोसफी है कि भाई साहब ने बोला, जिस तरह के एटीट्यूड वाले आदमी जो होते हैं ना, दीज आर ऑल हाइजीन सीकर्स, इनको कुछ नया नहीं करना है, क्लासिकल अप्रोच के फ्रेमवर्क के साथ चलते रहना है। एक्ट मोर लाइक अ टॉप मैनेजमेंट देन अ टॉप मैनेजमेंट इटसेल्फ। ये अब कुछ करता तो है नहीं, तो दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं हाँ टॉप मैनेजमेंट का आदमी हूँ या टॉप मैनेजमेंट जैसा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, इसके पास खाली रहता है डब्बा इसका। ठीक है, बिलीफ सिस्टम सिंसियर एंड कंसिडर्ड। ये कौन हुआ? ये मोटिवेशन सीकर है। ठीक है, इसका बिलीफ सिस्टम है ये सिंसियर है और कंसिडर्ड है, और मोर लॉजिकल देन है हाइजीन सीकर। ये आदमी है, ये मे बी सक्सेसफुल ऑन द जॉब बिकॉज ऑफ इस टैलेंट। अगर इसमें टैलेंट है तो ये सक्सेसफुल होगा अपनी जॉब पे, बट दिस पर्सन ही मे बी एन ओवर अचीवर। ये अचीवमेंट के लेवल से भी ज़्यादा अचीव करता है। तो हैजबर्ग ने एक डिस्टिंक्शन बनाया था हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर्स के बीच में। इम्प्रूवड हाइजीन फैक्टर्स इन ऑर्गेनाइजेशन लीड टू लेस डिसइन्फेक्शन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा हाइजीन फैक्टर से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि लोग जिस लेवल पे, उससे नीचे नहीं जाएगा, उससे नीचे लोग डिससेटिस्फाई नहीं होंगे। एन इम्प्रूव जॉब कॉन्टेक्स्ट इज नॉट अ सेटिस्फायर, हैंस नॉट अ मोटिवेटर। जॉब का कॉन्टेक्स्ट इम्प्रूव करना कोई सेटिस्फायर नहीं है, कुछ भी लिख दो, और ड्यूटी कर रहे हैं और कर लेंगे, बट दी हैंस इट इज नॉट अ मोटिवेटर। सिमिलर एन एबसेंस ऑफ अ मोटिवेटर डज नॉट लीड टू डिससेटिस्फैक्शन। मतलब मेरे काम में नीरसता है, ये मेरे पर मुझे सैलरी मिल रही है ना, हाइजीन फैक्टर मेरा है, तो मेरे में डिससेटिस्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन एब्सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जरूर हो जाएगा। मतलब एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, लेकिन मैं डिससेटिस्फाई भी नहीं होऊंगा, मुझे पेमेंट मिल रही है, मैं अपना काम चला रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह देखिए, इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन के वर्ड का यूज़ करते हुए इन्होंने बताया कि हाइजीन फैक्टर शुड बी अटेंडेड टू व्हेन डिससेटिस्फेक्शन इज टू बी रिड्यूस्ड। जब आपको लग रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है, डिसकंटेंट हो रहा है, रिवोल्ट होने के चांस है, तो हाइजीन फैक्टर को अटेंड कीजिए। हाउएवर, सेटिस्फेक्शन जब आपको अटेंड करना हो, बढ़ाना हो ऑर्गेनाइजेशन का, तो मोटिवेटर वाले फैक्टर्स पे फोर्स कीजिए। तो हर्ज़बर्ग ने जो टू फैक्टर थ्योरी दी थी मोटिवेशन की, उसमें यही कहा है कि हाइजीन फैक्टर्स आर असेंशियल फॉर ऑब्टेनिंग मिनिमल परफॉर्मेंस। ठीक है, ग्रेटिफाइंग द लेवल लो लेवल नीड्स, मतलब लोअर लेवल की नीड्स को आप सेटिस्फाई करना है तो आपको हाइजीन फैक्टर का यूज़ करना है। पर मोटिवेटर जब आपको, जब हायर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस का